देश में जो फेक करेंसी है वो डबल हो गई, देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की दिशा में जा रही है। हाँ, देश की अर्थव्यवस्था जरूर बर्बाद हो गई। आरबीआई का रेपो रेट बढ़ने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्यों देश की अर्थव्यवस्था डूबे जा रही है? क्यों आम जनता की जेब खाली होते जा रही है? क्यों सरकार जनता के हित में कुछ नहीं कर रही है? और सबसे अहम सवाल, देश के वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बयान आया, जिसे सुनने के बाद आप भी चकित हो जाएंगे। उनका कहना है कि आरबीआई ने जिस समय ये फैसला लिया वो देखकर मैं सरप्राइज हूँ, और आरबीआई ने ये नीति अचानक से लागू कर दी जब देश के वित्त मंत्री को ही इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, तो आम जनता की सोच तो दूर की है। 2019 में देश का वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक डाटा में 5वीं जगह स्थान था, और साल 2022 यानी इस साल पर भारत 6ठे स्थान पर आ गया है। देश का वित्त यानी इकोनॉमी विकास में सबसे अहम भूमिका निभाती है, और इसको संभालने की जिम्मेदारी देश के वित्त मंत्री के हाथों में है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अपनी डिग्री इकोनॉमिक्स में पाई है, और तो और बीजेपी द्वारा 2018 में आरबीआई का गवर्नर नियुक्त हुए श्रीकांत दास भी फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो एक इतिहासकार है। जब देश पर कोरोना के फर्स्ट फेज के दौरान आर्थिक संकट आया, तब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे दिया। तो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था। आइए अब आपको इसे विस्तार में सुनाते हैं हमारे विश्लेषक अजय शुक्ला जी द्वारा। आपको एक चीज समझनी होगी कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो अपने आप में इतिहासकार है। जो इतिहास का विशेषज्ञ है उसे आरबीआई का गवर्नर लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से चीजें करवानी थी। पिछले जो आरबीआई के गवर्नर्स थे वो तैयार नहीं थे उस तरीके से करने के लिए जैसे ये चाह रहे थे। तो आप ये समझिए कि जब ये नहीं चाहा जाता है कि कैसे सही ढंग से काम किया जाए, तो यही स्थितियां होती है, और वही कारण है कि अर्थव्यवस्था की जो बर्बादी है, और दूसरे कारण है। इसके बाद जो निर्मला सीतारमण को जिस तरीके से वो बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया, और वित्त के साथ में तमाम और विभाग दिए गए, और उनको जबकि वो अपने आप में कंफ्यूज्ड वो है, हालांकि वो अर्थशास्त्र में उन्होंने एमफिल किया हुआ है और जेएनयू से पास आउट है, उसके बाद में उन्होंने लंदन में भी पढ़ाई की है, डिप्लोमा लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद उनके जो पति है प्रकला प्रभाकर, वो खुद उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था कि निर्मला सीतारमण एक फेल वित्त मंत्री। अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि उनके पति, जो खुद में अपने आप में बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये बात लिखी थी, क्योंकि निर्मला सीतारमण जिस तरीके से करना चाहिए, अर्थ को संभालना चाहिए, उसको नहीं संभाल पा रहे। और इसके पीछे हो संभव है कि एक वजह यह भी हो सकती है कि जितना ज्यादा हस्तक्षेप उनके ऊपर उच्च स्तर पर है, जिस तरीके से पॉलिसी तय करने में कहीं और से तय होती है, यही वजह है कि शायद वो उसे संभाल नहीं पा रही है। और क्यों, जो कुछ कारपोरेट घरानों के हिसाब से भारत की जो क्या कहते हैं वित्त नीति है वो तय हो रही है, भारत का बजट वो लोग तय कर रहे हैं, तो कारपोरेट में बैठे कुछ चंद पूंजीपति जब भारत का बजट बनाते हैं, भारत के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भले ही सीतारमण कितनी काबिल हो या ना हो, लेकिन वो देश की सबसे असफल वित्त मंत्रियों में से एक कहलाएंगी, क्योंकि उनके समय में देश कर्जदार भी सबसे ज्यादा हुआ है, देश का राजस्व घाटा भी सबसे ज्यादा बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था तमाम तरह से चरचरा गई है, और उसके अलावा आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से भारत के आरबीआई से जो भारत का रिजर्व फंड था उसमें 11 लाख करोड़ रुपया वो भी निकाल लिया गया, और इसके बाद पीएसयूज और दूसरी चीजें बेची जा रही, बावजूद इसके अर्थव्यवस्था को वो संभाल नहीं पा रही है। तो अर्थव्यवस्था न संभाल पाने के पीछे वजह ये है, क्योंकि जो
जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे कई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनका यही कहना था कि जो हम अर्थनीति में सुधार के लिए दे रहे हैं उन पर काम हो ही नहीं रहा, काम तो उन पर हो रहा है जो कहीं और से गाइडलाइंस आ रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था की इस बर्बादी के पीछे ये बहुत बड़े कारण है कि निर्मला सीतारमण के हाथ में या तो कुछ नहीं है या उनकी समझ बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ डिग्रीधारी है, उनके पास और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आरबीआई का गवर्नर जो इतिहासकार है उसको समझ नहीं है अर्थ की, और इस कारण से देश की बैंकें भी बर्बाद हुई है और देश की अर्थव्यवस्था को भी वो सुधार नहीं सके, वो भी बर्बादी में गया है। और जो महंगाई नियंत्रण के लिए प्रयास करने की बात की गई वो भी फेल रहे हैं, जब जरूरत थी मांग थी उस समय उन्होंने कुछ किया नहीं, और जब कर रहे हैं तो वही हाल है कि चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत का, तो वही स्थिति पैदा कर दी है और आज देश इसी कारण से देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की दिशा में जा रही है। तो मेरा यही मानना है और मैं इसको लेकर के तमाम सारे डाटा है जो मैं लगातार आपको देता रहता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था कहां कहां स्विंग करी है, क्यों करी है, इसके पीछे वजह क्या है। जो 5 ट्रिलियन का सपना देखते हैं वो 5 ट्रिलियन का सपना कर्ज के बूते देखते हैं, और वो कर्ज चाहे IMF का हो, चाहे विश्व बैंक का हो, चाहे घरेलू, सब इतना ज्यादा बढ़ गया है। देश में जो फेक करेंसी है वो डबल हो गई है, तो इससे बड़ी और बात कुछ नहीं हो सकती कि जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की बात कही थी और उसके बाद डबल से ज्यादा फेक करेंसी हो गई, जो कहा था कि हम नकली नोटों पर को रोकेंगे, आतंक को रोकेंगे, तो ना आतंक रुका, ना नकली नोट रुके और ना ही जो है दूसरे और काला धन कहीं आ पाया, तो ना किसी चीज पर कंट्रोल नहीं हो पाया। हाँ, देश की अर्थव्यवस्था जरूर बर्बाद हो गई, यही इसका कारण। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।